पहुंचने के बाद सबसे पहला आपका उद्देश्य क्या है? आपका ये राजनीति में आना पहला बार है या इससे पहले भी राजनीति? पहली बार हम राजनीति में कदम रखे हैं और हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि 30 नंबर के जितने भी हमारे ऐसा सब क्या मन में है जो राजनीति की आप पसंद किए? बस कुछ ऐसा दिखा कि भाई पब्लिक का सेवा करने का मौका मिल रहा है तो करना चाहिए और पब्लिक का डिमांड था, पब्लिक ने हमको आग्रह किया कि भाई आप आइए, आप सबसे बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं यहाँ और चौमुखी विकास और वहाँ का सड़क बिजली पानी जीतने के बाद आपका पहला उद्देश्य सबका स्वास्थ्य खासकर बिहार के अंदर में शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है जी, इस पर हम लोग सबका अच्छे से व्यवस्था हो, इसकी कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा वार्ड होगा। हम आपके सामने 47वें वार्ड में 30 नंबर वार्ड हमारे कार्यकाल में अगर हम आ गए तो सबसे ऊपर समोपति 30 नंबर वार्ड का नाम होगा। पहले हम जनता से आग्रह करेंगे कि सब लोग एक मत होकर कैंडिडेट चुने जो उनके जहन में है, जो उनके नॉलेज में है कि एक शिक्षित महिला कैंडिडेट हमारे पास है और वो ताकि उनके लिए कुछ अच्छा कर सके। दूसरी बात है कि हम चाहेंगे कि हर लोग अपना मताधिकार का प्रयोग अपने बूथ केंद्र पर जाकर करें, अपना मत का पूरा प्रयोग करें। कोई भी आदमी, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, वो लोग घर से निकलकर वोटिंग करें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ावें, उससे उनका एक जो मतलब उनका विकास का जो इच्छा है वो हो सके। नाम मेरा नाम विनोद राम है। जिंदाबाद। बाबा जाना पिछवा खराब है तू।